अगर कोई क्लाइंट जैसे हमारा जो वीडियो देख रहा है और वो आपसे डिमांड करे कि हमें पेंडोरा चाहिए लेकिन आप उसमें हमें गोड़ो वोड़ डाल के दो तो आप दे दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। दोस्तों आप लोग मुझे डिमांड करते रहते हैं कि राहुल भाई की गेमिंग के व्लॉग आप लोग इतने कम क्यों बनाते हैं, तो यार मैं आप लोगों को पहले भी बताया था वीडियो के अंदर कि कहीं भी मुझे कुछ ऐसा लगता है जो आप लोगों को वीडियो में दिखाना चाहिए तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। तो अभी अभी बाहर से एक नया पेंडोरा बॉक्स इंपोर्ट कराया है मैंने, और वो पेंडोरा बॉक्स कैसा है, उसमें कितनी गेम्स मिलेंगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक हम टेकन 3 तक ही खेल पा रहे थे, अब आप टेकन 6, टेकन 5 और जितने भी तमाम गेम है वो सारे के सारे आप खेल पाएंगे, यानी कि लेटेस्ट गेम भी, और 8000 गेम वाला पेंडोरा बॉक्स आप पहली बार देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज मैं आया हूँ शंकर भाई के पास, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड तो दिख ही रहा है, मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए टेकन के यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं काफ़ी सारे, और हमारी मेम साहब यहाँ बैठी हैं मास्क लगा के, ये लो जी उन्होंने उतार दिया, कहीं दूसरी मेम साहब ना ले आऊँ मैं। और ये देखो शंकर भाई के पास कितने सारे पेंडोरा बॉक्स हैं, पहले तो शंकर भाई को ही देख लो आप। आज इन्होंने मुझे कहा कि राहुल भाई आप खुद ही आओ मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हैं, तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा इनकी शॉप का। यहाँ पर आप ये देखिए बुराड़ी संत नगर में है इनकी, लेकिन आपको इतनी दूर आने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप आसपास नहीं रहते तो ये आपको होम डिलीवरी करा देंगे। तो पूरी डिटेल दूंगा मैं आपको, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं दिखाना चाहूँगा इनकी शॉप का। ये देखो लाइट वाला पेंडोरा बॉक्स है आज जो मैं लेने वाला हूँ ना, लाइट वाला वो भी सेम ऐसा ही होगा देखने में, और काफ़ी कुछ इन्होंने यहाँ पर नया रखा है अपने पास, तो मैं एक एक चीज़ दिखाऊँगा आपको। सबसे पहले आप एक एक देखिए, ये सारी तरह की वैरायटी, हाँ, और सबसे पहले मैं आपकी यहाँ पर देखो टेकन टैग टूर्नामेंट 2 की मशीन दिखाना चाहूँगा। ये देखो इसमें सारे क्या टेकन ही है क्या गेम? इसको टेकन ही गेम है टोटल। हाँ, टेकन टैग 2 भी है इसमें? टेकन टैग 2 नहीं है, मतलब कोई डिमांड पार्टी करती तो इस हिसाब से बना के दे देते। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें PS3 भी लग जाता है? हाँ, PS3 भी लग जाएगा। अरे वाह क्या बात है, तो PS3 का भी आप यहाँ पर पूरा बना सकते हैं। यहाँ पे हैंडल कहाँ है, खेलेंगे किससे भाई? तो शंकर भाई मैं जानना चाहूंगा कि ये वाला जो है मशीन जो है, ये वाली जो मशीन है जी, ये मतलब कितने में तैयार होती है पूरी मशीन? ये मशीन जैसे पार्टी जिस हिसाब से ऑर्डर करते हैं, जैसे अभी हम लोग पंडोरा 3D पंडोरा गेम बॉक्स लगा के देते हैं पार्टी को, तो इसमें टेकन 5 टेकन 6 ऑलरेडी है गेम, 8000 गेम तो है ही, अभी आपने जिक्र किया 8000 गेम्स, पहले भी 8000 गेम्स थी, लेकिन अब जो गेम 8000 वाली आई वो कंपनी दूसरी है, और उसमें ग्राफिक भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है। ग्राफिक्स में तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, और ये जो गेम की लिस्ट है, अच्छा ये पूरा 3D पंडोरा का आ रहा है? हाँ हाँ, ये अच्छा ये 3D गेम्स की लिस्ट है पूरी? हाँ ये 3D गेम्स की पूरी लिस्ट है। अच्छा, तो ये अगर जो कोई मतलब ऐसा ना बनवाना चाहे और अपने घर पे खेलना चाहे तो उसे भी सारी मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। 3D तो टोटल 3D टाइटल कितने हैं इसमें? 8 इसमें 3D टाइटल है, 360 गेम है। 360 3D टाइटल? हाँ 3D टाइटल, जो PSP जैसे हमारे एक PS3 आती थी उसमें छोटा वर्जन PSP थी, तो PSP की सारी गेम इसके अंदर में अभी उन्होंने डाल दिया, बाकी जो गेम आपको नहीं भी मिलता है तो भी आप उसमें डाउनलोड करके वाईफाई से डाउनलोड करके आप चला सकते हो। वाईफाई है इसमें? हाँ वाईफाई है। जो पेंडोरा बॉक्स में लेने आया हूँ उस पर, और वो पेंडोरा बॉक्स है ये। तो ये डिज़ाइन चूज़ किया है, वाइट जो है इसका कलर है, और देखिए लाइटिंग वाला है, नीचे बॉक्स में जो है लाइटिंग सिस्टम लगा रखे हैं, वैसे ब्लू भी होती है लेकिन हमने रेड वाला चूज़ किया, और ये एक्रिलिक में है इसलिए लाइटिंग शो हो रही है, अगर वुडन प्लेट होती तो आपको पता है उसमें लाइटिंग की नीड नहीं होती है, वो थोड़ा सा सस्ता होता है इस वाले कंसोल से, तो ये हमें ज़्यादा प्यारा लग रहा था पेंडोरा इसलिए ये वाला लिया है। ये देखिए इसमें कंप्लीट एक्रिलिक प्लेट है, ये देखो। तो गाइस आउटलुक तो आपने इस डिवाइस की देख ही ली है, अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि क्यों हमें अपने पुराने पेंडोरा को इससे रिप्लेस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसमें नियर अबाउट 8000 गेम्स हैं, ये देखिए। तो ये देखिए 799 लिखा हुआ है ना, आपको नजर आ रहा होगा, और उसके नीचे नो लीजिए 8000 भी आ रहा है लिखा। हाँ हाँ, ये देखिए ये देखिए देखिए देखिए, तो लास्ट वाला जो है नाइट्स ऑफ वैलर 2 ऐसे कुछ गेम है, और ये हमारे 8000 गेम है। अब आपको प्ले करके भी दिखाऊंगी। अच्छा गाइस कैटेगरीज के बारे में बात करें तो देखिए 4 कैटेगरीज ऊपर हैं हमारे, जिसमें ऑल में तो सभी गेम्स प्रोवाइड की गई हैं, और एक कैटेगरी में आपको कैटेगरी वाइज जैसे कि टेकन की कुछ कैटेगरीज होती हैं, टेकन 2, टेकन 7, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। फाइटिंग, एडवेंचर, स्पोर्ट्स, ऐसे कैटेगरी इन्होंने बनाई हुई, जैसे जेनरे। अच्छा ओके ओके, तो जेनरे को कैटेगरी के लिए यूज़ किया गया है। रिसेंट भी दिया हुआ है कि आपने रिसेंटली कौन सी गेम खेली, अगर आप उसी से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रिसेंट पे जा सकते हैं। एक सर्च का भी ऑप्शन है, क्योंकि 8000 गेम्स में ऐसा होगा ज़रूर आपकी कुछ फेवरेट्स होंगी, तो आप अपनी फेवरेट्स को सर्च
से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और हम चेक करेंगे दोस्तों कि टेकन 6 में कितने कैरेक्टर हमें मिल रहे हैं खेलने के लिए, क्योंकि टेकन 3 में आपको पता है लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं। तो ये अब देखने वाली बात है कि इस पेंडोरा बॉक्स में टेकन 6 के या टेकन 5 के कितने कैरेक्टर हैं। तो और साथ में हम एक और चीज गाइस देख सकते हैं कि इसमें जितने भी ग्राफिक्स हैं वो अपग्रेडेड हैं पहले वाली गेम्स के कंपैरिजन में। बिल्कुल। और ये तो इन्होंने बहुत छोटी एलईडी यहाँ पर लगा रखी है, आप देख सकते हैं बहुत पुराना मॉनिटर है। आप अपने मॉनिटर पे देखेंगे तो बहुत अच्छे ग्राफिक्स आएंगे। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टोरी, गोस्ट बैटल, चैलेंज बैटल, मतलब सारे मोड दिए इन्होंने, सिर्फ आर्केड ही नहीं दिया। आप चाहें तो उसका स्टोरी भी खेल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आर्केड बैटल पे प्ले करके देखते हैं कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं। नोनी जी आर्केड पे लगाते हैं तो प्ले करते हैं तो एक बार देखते हैं कितने कैरेक्टर। अरे वाह, ये तो ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर हैं इसके अंदर। ऑलमोस्ट नहीं, सारे ही दिए नोनी जी इन्होंने तो। टेकन 6 में सारे कैरेक्टर पेंडोरा बॉक्स के अंदर है। वाह मजा आ गया यार। जैक 7 से खेलूंगी। जिस मर्जी से खेल, एक बार खेल के बता। चलो हियाची से खेलूंगी मैं। हियाची से? हाँ। चलो हियाची से खेले। ओके ये क्रिस्टल है, क्या नाम है इसका? ये देखो मेरे वाला हसीना से लड़ने आया तो नंगा होके आए। वाव हसीना की तो हड्डियां तोड़ दी मैंने। वाव अमेजिंग। तो ये मूव्स भी भाई इसके तो पूरे ही, मेरे को तो PS4 वाला ही फील आ रहा है। दोस्तों इसमें भी सारे कैरेक्टर मिलेंगे आपको टेकन 5 में, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये देखो सारे टोटल ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर। ओ ये रहा मेरा जैक 7 है। हाँ ले लो जैक 7 ले लो, खेलो जैक 7 से। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम पुराने टाइम के डिवाइसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गए। ओ बेटे की जान, सच में फील ऐसे आ रहा है कि जैसे, अरे बॉक्सर वाले कपड़े भी हैं इसके तो, मतलब कॉस्ट्यूम भी अमेजिंग है। प्ले स्टेशन में मैंने वो ये वाले कॉस्ट्यूम नहीं देखे, इनसे नहीं खेला। यह और भी प्यार हो गया जैक 7 से मुझे तो। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप खुद भी खेलते हो क्या? आपके दिमाग का आइडिया कैसे है? मेरा शौक है सिर्फ बनाना, डिजाइन बनाना और सिर्फ बॉक्स को बनाना। लोग कस्टमाइज करवाते हैं अपने अकॉर्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल, जो पार्टी जो भी डिजाइन बोलती है उनके हिसाब से हम बना के उनको दे देते हैं। ओके तो क्या प्राइस होगा इसका? ऐसे इसका मैंने 12,500 प्राइस रखा है और विथ डिलीवरी। अगर कहीं बाहर से भी कोई पार्टी है अगर देख रही है तो उनको कोरियर चार्ज नहीं देना पड़ेगा 12,500 में। अगर वो फिर बार्गेनिंग करेंगे तब उनको कोरियर चार्ज देना पड़ेगा, अगर बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो कोरियर चार्ज कोई नहीं। और दिल्ली फॉरेन में भी, मतलब आप नहीं फॉरेन में नहीं, जैसे इंडिया के अंदर फॉरेन में तो कोई मंगाते ही नहीं है। अच्छा शंकर भाई, जैसे इसके अंदर PSP में वाली बहुत सारी गेम्स हैं, जैसे हम टेकन 6 देख रहे हैं सारे प्लेयर हैं, बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं आ रहा कि इम्यूलेटर से चल रही हो, मतलब PSP वाला फील है पूरा। हाँ, तो गॉड ऑफ वॉर भी चलेगी फिर तो? हाँ गॉड ऑफ वॉर जो PSP वाली गॉड ऑफ वॉर है वो चल रही है इसके अंदर में। चल रही है? हाँ बिल्कुल चल रही है। कई पार्टियां कई पार्टियां हमारे यहाँ से लेके गई जो आपका PSP में गॉड ऑफ वॉर चलती है वो डाउनलोड करके चला रहे हैं और चल रहा है, आसानी से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब अगर कोई क्लाइंट जैसे हमारा जो वीडियो देख रहा है और वो आपसे डिमांड करे कि हमें पेंडोरा चाहिए लेकिन आप उसमें हमें गॉड ऑफ वॉर डाल के दो तो आप दे दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। चलो तो यार ये एक बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि चेन्स ऑफ ओलंपस, गोस्ट ऑफ स्पार्टा और जो जो मतलब PSP की गेम है वो आप सारी की सारी इसमें चला सकते हो। और आपको पता है गॉड ऑफ वॉर कितना बड़ा टाइटल है और ऐसे और भी कैंपेन गेम्स आप शंकर भाई से भी डलवा सकते हो, खुद भी डाल सकते हो अगर आप चाहते हैं तो। उसका एक वाईफाई का ट्यूटोरियल वीडियो हम एक अलग से बनाकर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो पर रिस्पॉन्स दीजिए। शंकर भाई के पास मिनिमम जो पेंडोरा शुरू हो जाता है कितने रुपए से शुरू हो जाता है? 6,500 रुपए से चालू हो जाते हैं मेरे। 6,500 जो 6,500 में उसमें 3200 गेम्स हैं। अच्छा उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं? टेकन 3 वगैरह नहीं उसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारे पास जो है 9,000 वाला बॉक्स है। अच्छा 9,000 का बॉक्स है, यही 3D पेंडोरा बॉक्स सागा अभी लेटेस्ट आया जिसमें कई लोगों को लगता है ये महंगा ज्यादा है, हमें टेकन 5 टेकन 6 वाला नहीं खेलना है, सस्ते वाले में मुझे वाईफाई चाहिए। एक आया है, एक सॉफ्टवेयर ऐसा भी आया है सेम, यही नाम सेम टू सेम है, गेम उसमें 4800 है। ठीक है और टेकन 3 उसमें टेकन 5 टेकन 6 नहीं है, टेकन 3 है उसमें PS1 की गेम है, छोटी छोटी जितनी भी गेम थे जो हम लोड कर सकते, मतलब मिनिमम 6,500 रुपए के लगभग से स्टार्ट होते हैं। वो 9,000 रुपए का जो दूसरा वाईफाई वाला समझ गया, 9,000 वो तो। दोस्तों आप शंकर भाई से कांटेक्ट कर लेना, आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर भी लिखा हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा डिटेल मिल जाएगा, आप इनसे कांटेक्ट जरूर करना, व्हाट्सअप करना। अगर फोन किसी बाई चांस जैसे नहीं उठा पाए, जैसे अभी भी फोन आ रहे हैं इनके पास तो नहीं उठा पा रहे होंगे, वीडियो बन रही है, तो ऐसे आप इनसे व्हाट्सअप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और रिस्पॉन्स देते रहेंगे। बिल्कुल आप हम जैसे अभी होता क्या है, कई आदमी रात को
12 बजे भी वीडियो देखते हैं, कॉल करते थे हम उनको 12 बजे भी जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई टाइम टेबल बांध रखे हमारे 10 से 6 नहीं है। नहीं नहीं मैं बोल रहा कोई बात नहीं है। तो आप इन्हें रात को 12-1 बजे भी फोन कर लेना, नहीं उठा पाए तो व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पे रिप्लाई जरूर करेंगे, और नहीं करें तो हमें बता देना, फिर हम आ जाएंगे शंकर भाई के पास कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। बाकी इनके पास जो अब हमने जो पेंडोरा लिया, लास्ट सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि अब जैसे ये पेंडोरा हमने लिया है, मैं तो दोबारा से आप शंकर भाई ये पेंडोरा तो मैंने आपसे रिप्लेस करा लिया, पुराना देकर इसके जो चार थे वो मैंने आपको पे कर दिए, तो आप ये बताओ कि अदर जो पेंडोरा होंगे अब जैसे किसी और के पास जो पेंडोरा है तो वो भी अगर आपसे रिप्लेस कराना चाहे हो जाएगा? हाँ रिप्लेस हो जाएगा उनका, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ जो नॉर्मल चार्जेस है जैसे उनकी सेट के कंडीशन देखना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, मैंने जितने में लिया था ना मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पड़ा, बहुत ही कम पैसों में हो गया, और आप भी चेंज करा सकते हैं, नहीं तो नया तो परचेस कर लो। 8000 गेम मायने रखती है भाई, और अपने बचपन की सारी गेम्स आपको मिल रही है, मतलब अगर किड्स वगैरह हैं आपके घर पे उनकी गेमिंग की लाइफ की स्टार्टिंग है तो ये चीज बहुत अच्छी है, आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को, क्योंकि मान लो अगर आप किसी कंसोल को गिफ्ट करने का सोचते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, गेम्स भी अलग से परचेज करनी पड़ रही हैं, तो ये बहुत अच्छा डिवाइस है, एक बेस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट के तौर पर आप किसी को दे सकते हैं। शंकर जी का कंप्लीट एड्रेस हमारे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया गया है, फोन नंबर भी, आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अच्छा शंकर भाई जैसे इसके अंदर PSP में वाली बहुत सारी गेम्स हैं, जैसे हम टेकन 6 देख रहे हैं सारे प्लेयर हैं, बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं आ रहा कि इम्यूलेटर से चल रही हो, मतलब PSP वाला फील है पूरा। हाँ, तो गॉड ऑफ वॉर भी चलेगी फिर तो? हाँ गॉड ऑफ वॉर जो PSP वाली गॉड ऑफ वॉर है वो चल रही है इसके अंदर में। चल रही है? हाँ बिल्कुल चल रही है, कई पार्टियां हमारे यहाँ से लेके गई जो आपका PSP में गॉड ऑफ वॉर चलती है वो डाउनलोड करके चला रहे हैं और चल रहा है, आसानी से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब अगर कोई क्लाइंट जैसे हमारा जो वीडियो देख रहा है और वो आपसे डिमांड करे कि हमें पेंडोरा चाहिए लेकिन आप उसमें गोड़ों वोड़ डाल के तो आप दे दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। और पेंडोरा बॉक्स बुक कीजिए।